आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जिसके चारों भुजाओं और एक विकर्ण की माप ज्ञात हो। अब तक हम बहुभुज, चतुर्भुज के कोण, योग, गुण, धर्म और विभिन्न चतुर्भुज, पतंग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में जान चुके हैं। आप पहले से ही चतुर्भुज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि आप उन्हें अपने आसपास अक्सर देखते हैं। यहां कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप पहचानते होंगे। इन सभी आकृतियों में आप चतुर्भुज देख सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि चतुर्भुज की रचना कैसे होती है, आइए देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक चतुर्भुज में कितने कोण, भुजाएं और विकर्ण होते हैं? शाबाश, चतुर्भुज के चार कोण, चार भुजाएं और दो विकर्ण होते हैं। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कितने मापों के मान चाहिए होते हैं? बिल्कुल सही, एक अद्वितीय चतुर्भुज के लिए कोई भी पांच माप, भुजा, विकर्ण और कोण पर्याप्त हैं, जो त्रिभुज अस्मिका और चतुर्भुज कोण योगफल गुण शर्तों को पूरा करें। क्या आप बता सकते हैं कि एक चतुर्भुज की रचना कब की जा सकती है? तो आइए सभी स्थितियों को कुछ इस प्रकार लिखें। एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि उसकी चारों भुजाओं का मान और एक विकर्ण का मान दिया गया हो, दो विकर्ण और तीन भुजाएं दी हों, दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों का माप ज्ञात हो। जब तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोणों की माप दी हों, इस वीडियो में हम एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करेंगे जिसकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो। आओ इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर है। क्या आप चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण कर सकते हैं? इस चतुर्भुज की रचना के लिए आप किसी भी भुजा से शुरुआत कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भुजा ए बी से शुरुआत कर रहे हैं। एक कच्ची आकृति का निर्माण करें। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, जैसे कि यहां विकर्ण ए सी चतुर्भुज को त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में विभाजित करता है। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी का निर्माण त्रिभुज अस्मिका के अनुसार संभव है क्योंकि हर दो भुजाओं का योगफल तीसरे भुजा से ज्यादा है। चलिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की रचना करें। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर बनाएं। बी को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। अब ए को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचिए। दोनों चापों के प्रतिच्छेद करने से हमें एक बिंदु मिलता है जिसे हम सी से नामांकित कर दें। बिंदु सी को बिंदुओं ए और बी से जोड़ दें।
जिससे हमें त्रिभुज ए बी सी मिल जाता है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी कैसे बनाएंगे? शाबाश, ए और सी से क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या की चाप खींचिए। दोनों चापों के प्रतिच्छेद करने से हमें एक बिंदु मिलता है जिसे हम डी से नामांकित कर देते हैं। बिंदुओं ए और सी को डी से जोड़ दीजिए। ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए डी सी मिल जाता है, जिसके साथ चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना पूरी हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज है। आज इस वीडियो में हमने एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखा जिसकी चारों भुजाओं और एक विकर्ण की माप हमें ज्ञात होती है। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।